लखनऊ बेसिक शिक्षा निदेशालय में अनुदेशक शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन 27,555 अनुदेशक शिक्षक का मानदेय बढ़ाने के लिए किया। बताते चले प्रदेश में 27,555 अनुदेशक शिक्षकों ने यह धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए किया। उनका कहना है अगर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उनका मानदेय नहीं बढ़ाते तो उनका धरना प्रदर्शन अनिश्चितकाल के लिए जारी रहेगा जब तक कि उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। अनुदेशक शिक्षकों ने कहा जब एक ही छत के लिए हम अनुदेशक शिक्षक कार्य करते हैं उसी छत के लिए एक शिक्षक कार्य करता है उसको 90,000 रुपये मिलते हमें 9,000 ही क्यों। उनका कहना है हम अपना हक मांग रहे सरकार से कोई भीख नहीं मांग रहे हम अपना कार्य ईमानदारी से करते हैं तो भी हमारे साथ अन्याय क्यों हो रहा है। इस समय अनुदेशक शिक्षक 27,555 अनुदेशक शिक्षक यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं और सरकार से इनकी क्या मांगे हैं इनको क्या दिक्कत है क्या परेशानी है ये सर बताइए। जी सर मैं हृदय कुमार जिलाध्यक्ष अनुदेशक संघ झांसी से हूँ और जो सरकार से हमारी मांगे हैं प्रमुख मांग हमारी यही है कि नियमितीकरण किया जाए और जो हम समान कार्य कर रहे हैं उसका समान वेतन दिया जाए। महोदय आपको आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक ही छत छत के नीचे हम काम करते हैं 6 घंटे उसी छत के नीचे एक टीचर काम करता है एक को 90,000 मिल रहा एक को 9,000 मिल रहा और हम सबको BLO जनगणना मतगणना जिस सारे कार्य करने पड़ते हैं। तो हमारा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि आप हमें नियमितीकरण कर दें आप हमारी समस्या 100 की बाध्यता जो हमको लटकाई गई है जो तलवार के 100 बच्चे होंगे आपको अन्यत जगह कर दिया जाएगा या संविदा समाप्त कर दी जाएगी। तो महोदय आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि 100 की बाध्यता खत्म की जाए। एक है स्वतः नवीनीकरण कर दिया जाए महिलाओं को एक शिक्षक को CCL है उसी छत के नीचे अनुदेशक महिला भी पूरा ड्यूटी करती हैं क्या इनका प्रसव पीड़ा नहीं होती क्या इन्हें दर्द नहीं होता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करता हूँ कि इनको मेडिकल केयर लीव दे दीजिए CCL चाइल्ड केयर लीव दे दीजिए हम सबकी जो मांगे हैं 11 सूत्रीय उनको पूरा कर दीजिए हम आपका जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे क्योंकि 11 साल से 2013 में हम लोग नियुक्त हुए उच्च प्राथमिक विद्यालयों परिषदियों में तैनात हैं और 13 साल से हम जो यातनाएं झेल रहे हैं उन यातनाओं को पीड़ा को समझते हुए क्योंकि आपका नाम योगी है महाराज जी निवेदन करते हैं कि आप हमारे नियमितीकरण कर दीजिए सब हमारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। धन्यवाद सर। सरकार मांगे आपकी पूरी नहीं करती है तो आप आगे का क्या कदम होगा आपका अगला कदम क्या होगा। सर आगे का कदम ये है कि अनुदेशक के लिए खोने के पास तो कुछ है नहीं 9,000 में हम लोग क्या खोएंगे तो हम लोगों ने अभी सोच रखा है कि जब तक कुछ पा के नहीं जाएंगे यहाँ राज्य परियोजना कार्यालय महानिदेशक मैडम के यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक हमें कुछ लिखित आदेश प्राप्त नहीं हो जाता नियमितीकरण समान कार्य समान वेतन और 11 सूत्रीय मांगेंगे ये हमारा सर अगला कदम रहेगा। मैं महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रिया दीक्षित हम लोग की अनुरोध ये धरना चलेगी जब तक मांगे पूरी नहीं होती है हम है जिसकी जानकारी आपको दी गई। सर प्रथम तो आप चौथे स्तंभ है आपका मैं स्वागत करूंगी और आपका चैनल के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से यही अपने संगठन अपने अनुदेशक जो 27,532 अनुदेशक हैं उनके तरफ से यह मांग करती हूं कि हम सबको अपने ही अनुदेशक पद पर नियमित कर दिया जाए। नियमितीकरण की जब तक प्रक्रिया पूर्ण हो रही है तब तक हम लोग को समान काम का समान वेतन दिया जाए क्योंकि मजदूरों से भी 300 के मानदेय पर डेली वेज पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग में जब हम लोग जो पूर्ण योग्यता शिक्षक की नियुक्ति की जो पूर्ण प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हम लोग नियुक्त हुए हैं। हम लोग के जीओ के अनुसार हम लोग के आगे अंशकालिक लगाया गया है अंशकालिक मतलब कुछ दिनों के लिए जबकि नई शिक्षा नीति 2009 के अनुसार हम लोग को ये पूर्ण विषय विशेषज्ञ के रूप में रखा गया है और शिक्षक नियुक्ति की सारी पूर्ण रूप से प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए हम लोग जिला वाइज काउंसलिंग करके मेरिट के आधार पर नियुक्त किए गए हैं। दूसरे नंबर की जब भी सदन में बात उठती है तो कहा जा रहा है कि मेरे जूनियर और प्राइमरी स्कूल में अनुदेशक शिक्षा मित्र करके शिक्षक पूर्ण है तो जब शिक्षक की योग्यता पर हम लोग अनुदेशक पद पर अनुदेशक ही पर स्थायी होना चाह रहे हैं क्योंकि हम लोग अपने जीवन के कम से कम 10 साल दे चुके हैं हमारे बहुत से साथी आत्महत्या कर लिए हम लोग का इतने दिनों से पूर्ण काम का कार्य यह कह के लिया जाता है कि आप 24 क्लास पढ़ाते हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ
आपको गुमराह किया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये अधिकारी कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी वापसी फिर से आए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट रहे आप इनको तो ड्यूटी निभानी है। हम लोग 24 क्लांस नहीं जबकि पूर्ण शिक्षक की भांति कार्य कर रहे हैं, और मानदेय देने की बात आ रही है तो आपको बताया जाता है कि बस 7000 और 9000 काफ़ी है, ये 24 क्लांस पढ़ाते हैं। आप शिक्षक डायरी उठाइए, आप रजिस्टर उठाइए, कोर्ट ने भी साबित कर दिया, ऑनलाइन अटेंडेंस मैं देने को तैयार हूँ, जिससे साबित हो जाएगा कि हम लोग पूर्णकालिक कार्य करते हैं। क्यों? लेकिन हमारी समस्या समाधान कीजिए। मैं 70 किलोमीटर से हमारी अनुदेशक भाई बहने जाते हैं, 9000 में कौन सी स्पीड में वो 9000 वेतन में अपना घर नहीं चला रहे हैं, कैसे उस पूर्ण जाके विद्यालय और वापसी हो जाएंगे। यदि एक दिन भी लेट होते हैं तो उनका क्या होता है, मानदेय 300 रुपया काट दिया जाता है, उनको पूर्ण काम लिया जा रहा है उनसे। रोज दूरी तय करते हैं आना और जाना, मेरा भी बच्चा बीमार होता है, 120 बच्चा रोज इस टाइम CCL की ना मुझे सुविधा है ना मेडिकल की कोई सुविधा नहीं है सर। और 4500 रुपया था उसमें भी वैन वाले को निकाल के दे दो, वैन वाले तो कहते मैम जी तुम तो टीचर ना बैठती हो, सीट तो बराबर ले रहे हैं, जब हम सीट बराबर ले रहे हैं, हम पढ़ा बराबर रहे हैं एक ही छत के नीचे, जब हम काम बराबर कर रहे हैं तो आप हमारा नियमितीकरण क्यों नहीं कर रहे हैं। एक ही BPED वाले को आप दे रहे हैं 70000, हमें दे रहे हैं 9000, कहाँ का न्याय है? खिलाने ले जाओ तो बराबरी तो खिलाते हम भी, क्या वो जो हम खिला रहे हैं, लेकिन ये कहाँ का न्याय है? हमको हमारी मांगे मानी जाए, सिर्फ नियमितीकरण किया जाए, और अंतर जनपदी में महिलाओं का करो, महिलाएं इतनी दूर दूर किराया दे रही, भैया 9000 में 5000 वैन वाला लेता है, 4000 में हम दो बच्चों का पालन कर लेंगे इतनी महंगाई में? उम्मीद ये बस योगी बाबा से हम हाथ जोड़ के यही विनती कर रहे हैं कि हम सब महिलाएं जितने भी अनुदेशक भाई बहन हैं सबको हमारे पद पे नियमित किया जाए, नई शिक्षा नीति का पालन करते हुए हमको हमारे पद पे नियमितीकरण किया जाए, बस यही योगी बाबा से मांग है, बस थैंक यू। और अगर हम अनुपस्थित हो जाते हैं किसी कारणवश, चूँकि हमें ना कोई CCL है ना CL है ना मेडिकल है, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, क्या हम इंसान नहीं है? हमारे छोटे छोटे बच्चे कभी अगर बीमार हो गए, अगर हम अनुपस्थित हो गए तो बिना कोई किसी जानकारी के हमारी वो 300 रुपए की मजदूरी काट ली जाती है, और जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, हमारे पैसे बढ़ाए जाए, हमको ये सुविधाएं दी जाए, तो कहते हैं कि जाओ जाओ तुम तो अंशकालिक अनुदेशक हो, तब इनको याद आता है कि हम अंशकालिक अनुदेशक हैं, और जब इनको अपना काम कराना होता है तब ये कह देते हैं शिक्षक है, पूरा शिक्षकों का काम हमसे कराया जाता है, चाहे वो चुनाव की ड्यूटी हो, चाहे BLO हो, चाहे वो गांव का सर्वेक्षण करना हो, बाल गणना, जनगणना, दुनिया भर के काम इनका बस चले तो हमको कह दे कि जाओ खेत भी काटाओ, हम खेत भी काटते हैं, बच्चों को फुसलाने के लिए क्या करें, सब कुछ करते हैं जो एक पूर्ण शिक्षक करता है, लेकिन जब हम अपना अधिकार मांगते हैं, बताइए 9000 रुपए में इतनी महंगाई में कौन अपना घर चला लेगा? एक ई रिक्शा वाला, चाय वाला, ठेले वाला भी हमसे ज्यादा कमाता है, उसको देखकर हमें शर्म आती है कि आज हम इससे भी गए गुजरे हैं, जबकि हम पूर्ण डिग्री धारक हैं, हमने 2-3 साल की पूरी डिग्रियां ली हैं, जो एक योग्य शिक्षक का मानक है, पूर्ण मानक पूरा करके हमारी मेरिट बन के आई है। शिक्षा मित्रों की तरह हम लोग गांव प्रधान की वजह से नहीं चुने गए हैं, हमारी पूरी मेरिट बनी है, जिला स्तर पर बनी है, हम वेल एजुकेटेड है पूरी काउंसिल, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि जो ये अनुदेशक पद पर है इनको नियमित किया जाए पूर्ण, लेकिन ये सरकार कुछ भी नहीं मानती है, ना हाईकोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं मानती है। अरे हद हो गई, जब ये सब व्यवस्था का आपको आदेश नहीं मानना है तो आप सब बंद कर दीजिए, क्यों ये सब ट्वीट करते हैं? जो सरकार ने 17000 लागू किया 2017 से आज तक नहीं दिए, केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति महोदया ने जब कह दिया कि न्यूनतम मजदूरी 24500 तय कर दी जाए, तब भी हमको नहीं दे रहे हैं। हमसे ज्यादा एक राजगीर कमा रहा है 800-900 रुपए प्रतिदिन, और हमारी क्या कमाई है 300 रुपए। हम योग्य शिक्षक हैं, हमको एक कुशल श्रमिक का भी मानदेय वेतन नहीं है, किस तरह से हम जिए? और इसने के बाद भी 11 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, 6 महीने से लगातार हमारा कोई ना कोई साथी परियोजना का चक्कर लगा रहे हैं, और ये सब हम लोग को मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं जाइए आपकी फाइल यहाँ चल रही है वहाँ चल रही है, एक बिंदु पर भी आज तक काम नहीं इसका है। 100-100 किलोमीटर दूर महिलाएं जाती हैं, ठीक है, बताइए 9000 रुपए में 4000 वो गाड़ी का किराया दे रही है, बचा 5000 रुपए, 5000 में से 2-3 छुट्टियों के 300 रुपए ऐसे ही कट जाते हैं, बच गया 3000, 3500, 3500 रुपए में इतनी दूर हमारी महिलाएं और हमारे ये सब अनुदेशक जाते हैं। अगर आप लोगों की मांग नहीं मानी गई तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि यही स्वाहा हो जाएंगे, हम तो इसी उद्देश्य से आए हैं, यही मर जाएंगे, घुट घुट के मरने से अच्छा यही मर जाएंगे। अनुदेशक हैं हम, और हम लोग 9000 में, पहले 7000 पाते थे, अब 9000 मिलता है,
लेकिन ये कहाँ की कहाँ का न्याय है बताइए। हम सब सारे काम जितने शिक्षकों से करवा रहे हैं उतने हम लोगों से भी करवा रहे हैं, फिर समान कार्य और समान वेतन हम लोगों का क्यों नहीं है? ना समान कार्य ना समान वेतन है और काम पूरा करवा रहे हैं। कहने के लिए अंशकालिक अनुदेशक हैं, बताइए हम लोग 9000 में अपना जीवन यापन कैसे करें? हम लोगों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? इतने 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 दूर से हम लोग 30-35 किलोमीटर से सब लोग आते हैं, जिनका और भी दूर है वो कमरा किराए पर लेकर के रहते हैं, तो वो किस प्रकार से क्या नाम है अपना जीवन यापन करेंगे? 9000 में कहाँ से वो किराया देंगे? पेट्रोल का खर्चा कहाँ से देंगे? किस प्रकार से अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? अपना इलाज अपने बच्चों का इलाज कहाँ से करवाएंगे सर? तो हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को समान कार्य करवा रहे हैं तो हमें समान वेतन भी दें, समान सुविधाएँ दें। सर इस अनुदेशक की नौकरी सर क्या बताएं कि इतना ज़्यादा एक अभिशाप बन गई हम लोगों के लिए, मतलब ना ससुराल के रह जा रहे हैं ना मायके के रह जा रहे हैं, यहाँ तक कि ये है कि जब 9000 मिलता है तो हस्बैंड भी छोड़ रखे हैं, ससुराल वाले भी छोड़ रखे हैं। ये कहते हैं कि अगर एक बच्चा करना हो तो ये कंडीशन है कि चलो अगले साल CCL मिलेगी, ये बढ़ जाएगा वो बढ़ जाए, थोड़ा पैसा बढ़ जाए, CCL मिलने लगे, मेडिकल मिलने लगे, तो हम लोग ये बच्चा कर, मतलब एक बच्चा करने की ये कंडीशन आ गई है कि इससे हद है, इससे कुछ भी कहा नहीं जा सकता। रोना आता है कि क्या बताएं कि सरकार को, हम लोगों को या तो मार ही डाले तो ठीक है, क्योंकि काम तो पूरा लिया जा रहा है लेकिन समान कार्य समान वेतन वाला जो है तो पैसा बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, सैलरी भी इतनी लेट आती है, 9000 मिलता है, ऐसा किसी सरकार में नहीं हुआ होगा कि 7000 मिलता था, बीच में पैसा बढ़ा गया, फिर पैसा काट लिया गया, कोई भी सरकार आज तक पैसा नहीं काटी होगी, पैसा काट लिया गया, अब 9000 तो ज़रूर मिलता लेकिन 9000 में क्या होता है? इतना महंगा तेल है, राशन है, किराए पर रह कर नौकरी करना कितना कठिन है, ये क्यों नहीं सरकार को समझ में आता है? अनुदेशक शिक्षक इस समय लखनऊ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी सरकार से ये मांगे हैं कि अगर उनका जो मानदेय है वो 9000 से बढ़ा दिया जाए, उनको बड़ी समस्याएं होती हैं अपने घर से दूर रहने में, पढ़ाई करने में, उनका कहना है कि जो एक ही छत के नीचे एक शिक्षक 90000 रुपये पाता है और हमारा 9000 रुपये होता है, ऐसा सरकार क्यों कर रही है? और आपको बता दें कि यहाँ पे 27555 शिक्षक जो हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार मांगे नहीं पूरी करती है तो अनिश्चितकाल के लिए यहाँ पे सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं, छोटे बच्चे और कई लोग हैं कि जो कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप इनकी मांगे यही है कि अगर ये सरकार इनकी मांगे नहीं पूरी करती है तो ये अनिश्चितकालीन के लिए सत्याग्रह कर देंगे। कैमरामैन साकेत के साथ आशीष सिंह, लखनऊ, दैनिक भास्कर।